व्हाट्सअप गाइस, अवेंजर एंड गेम मार्वल की 10 साल की मेहनत है। मार्वल ने इस मूवी को बेस्ट बनाने के लिए जी जान लगा दी और ये मूवी बेस्ट बनी भी। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद कुछ डाउट मन में रह जाते हैं। जैसे हाल ही में मैं अवेंजर एंड गेम को दोबारा नहीं पता नहीं कौन सी बार, लेकिन जब मैं मूवी को देख रहा था तो जब आयरन मैन स्नैप करता है तो थैनोस टोनी स्टार्क को रोकने की कोशिश नहीं करता, जबकि इससे पहले जब थैनोस स्नैप की ट्राई कर रहा था तब थोर, कैप्टन अमेरिका और यहाँ तक कि कैप्टन मार्वल ने तो तब थैनोस को रोका जब थैनोस ने ऑलमोस्ट स्नैप कर ही चुका था। तो फिर थैनोस ने टोनी स्टार्क को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या थैनोस टोनी स्टार्क को रोक नहीं सकता था, या फिर वो रोकना नहीं चाहता था? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम इस सीन को देख लेते हैं, जब टाइटन पर टोनी स्टार्क थैनोस का खून निकालता है। खून निकलने के बाद थैनोस मुस्कुराता है और टोनी स्टार्क की काफी धुलाई करता है। उसके बाद टोनी स्टार्क थैनोस को एक भी ब्लो नहीं मार पाता, जबकि इससे पहले थैनोस का टोनी स्टार्क खून तक निकाल देता है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थैनोस की स्माइल के बाद टोनी स्टार्क को पता लग गया कि उसकी हार होने वाली है। थैनोस अपनी पूरी पावर का यूज करके टोनी स्टार्क पर हमला करता है और टोनी को कोई भी मौका नहीं देता। इसलिए टोनी स्टार्क एंड गेम के स्टार्ट में कैप्टन अमेरिका को कहता है कि वो थैनोस से जीत ही नहीं सकते। और दूसरी बात, टोनी स्टार्क थैनोस से सिर्फ फाइट कर रहा था जबकि थैनोस के पास अपना एक फुल प्रूफ प्लान था, और इसीलिए थैनोस टाइटन पर अवेंजर को हरा भी देता है। तो अब बात करते हैं मेन सवाल की थैनोस ने टोनी स्टार्क को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। तो जब थैनोस स्नैप करता है और कुछ नहीं होता तो थैनोस जान जाता है कि वो अब हार चुका है। थैनोस के साथ वही एक्सपीरियंस हुआ जो टाइटन पर टोनी स्टार्क के साथ हुआ था, क्योंकि गाउंटलेट में स्टोन का न होना थैनोस के प्लान में नहीं था। ऊपर से टोनी स्टार्क ने नैनो सूट से गाउंटलेट बना लिया क्योंकि उसने पहले से ही ये प्लान बना रखा था। इसलिए यहाँ टाइटन से उल्टा हुआ, वहाँ सिर्फ टोनी स्टार्क फाइट कर रहा था, प्लान थैनोस का था। एंड गेम में यहाँ थैनोस फाइट कर रहा था जबकि प्लान टोनी स्टार्क का था। और हाँ, टोनी की स्नैप के बाद थैनोस आराम से बैठ जाता है और वो स्टोन पाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको रियलाइज हो चुका होता है कि वो अब हार चुका है। वैसे एंड गेम में 2014 के थैनोस से फाइट भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस काफी पावरफुल और इंटेलिजेंट था, जबकि 2014 वाला थैनोस सिर्फ पूरे यूनिवर्स को खत्म करना चाहता था। थैनोस ने एंड गेम में अपने प्लान को बदल लिया और इसीलिए शायद थैनोस इतनी आसानी से हार गया। तो हाँ, थैनोस टोनी स्टार्क को रोक नहीं सकता था क्योंकि टोनी स्टार्क की स्नैप थैनोस के प्लान से बाहर की चीज थी। लेकिन आप हमें कमेंट में बताएं कि थैनोस ने टोनी स्टार्क को रोकने की कोशिश आखिर किस रीजन की वजह से नहीं की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।